पीएम मोदी ने ओडिशा के सुंदरगढ़ की एक चुनावी रैली में कांग्रेस और बीजेडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इन दोनों पर वंशवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि हम न परिवार पर आधारित हैं और न ही पैसों पर। साथ ही पीएम मोदी ने बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं की तारीफ भी की। क्यों सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबका साथ सबका विकास इस मंत्र पर चलने वाली, न कि जाति पंथ संप्रदाय और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव करने वाली सरकार हो। भाई और बहनों, क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव ओडिशा की बीजेपी सरकार कर रही है, ऐसा ही भेद, इस प्रकार का भेदभाव कांग्रेस और उसके सहयोगियों दशकों से पूरे पूर्वी भारत के साथ किया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित देश का ये पूरी हिस्सा विकास की रोशनी से दूर रहा। कि जब कांग्रेस कल्चर से मुक्त पूर्ण बहुमत वाली सरकार चलती है तो उसका मतलब क्या होता है? भाइयों और बहनों, भारत अब आतंकियों को घर में घुस करके मारता है। मारता है कि नहीं मारता है? आप खुश हैं? आतंकियों को अब ऐसा ही जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाइयों बहनों, सरकारें पहले भी थी लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का कभी सोच भी नहीं पाती। सरकारें पहले भी थी लेकिन दूसरे देश की सीमा पर पार जाकर के हवाई जहाज से आतंकियों को, ठिकानों को खत्म करने आ उनके बस का रोग नहीं था। अगर केरल की तरफ नजर करें, आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाती। वहां कोई सत्ता में हम बैठे नहीं है। बंगाल में आए दिन हमारे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जहां आतंकवाद है वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत माता की जय, इसी एक मंत्र के लिए समर्पित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चार चार पीढ़ी से, न कुछ लेना है, न कुछ पाना है, न कुछ बनना है, न कभी अखबार में तस्वीर छपती है, न टीवी पर चेहरा दिखता है, लेकिन फिर भी भारत माता की जय का नाद करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहते।